हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गानिया फिरदौस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन में कैसे कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, सो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। सो हमने सपोज किया है लेट ए बी एंड सी एनी थ्री सेट्स। हमने जो है वो सपोज कर लिया, हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी। और फिर जो है देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कि हमने तो कोई भी तीन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में जो है हमेशा तीन सेट्स और या फिर तीन सेट से ज़्यादा की बात की जाती है। मैं जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज में जो है कम्यूटेटिव में और दो सेट्स की बात की जाती है, और एसोसिएटिव लॉज में जो है वो तीन सेट्स की बात की जाती है। तो उन दोनों की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में जो है तीन या फिर तीन से ज़्यादा के चार या चार की भी बात हो जाती है, सेट्स की बात कर रही हूँ, सेट की तादाद की बात कर रही हूँ। तो चलें अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर एडिशन ओवर इंटरसेक्शन हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन पहले लिखा है हमने तो यहाँ पर यूनियन पहले आएगा, ए के बाद यूनियन, उसके बाद ओवर इंटरसेक्शन लिखा है तो फिर बी इंटरसेक्शन सी होगा ब्रैकेट में। और फिर जो है यूनियन पहले लिखा तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इस तरह हम ये लिखेंगे। जो ओवर के बाद आता है वो दोनों ब्रैकेट के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा इंटरसेक्शन का, जो कि ओवर के बाद लिखा जाता है। अब ये तो पता चल गया आपको किसका इसका ओवर इंटरसेक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पे ओवर इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पर ओवर यूनियन है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। जो पहले हमें क्या दिया हुआ है इंटरसेक्शन, यहाँ पर तो पहले हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाया, यहाँ पे पहले यूनियन दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर पहले यूनियन लगाया, अब यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो पहले इंटरसेक्शन लगाया, उसके बाद ब्रैकेट में यूनियन लगाया, उसके बाद इंटरसेक्शन जो पहले दिया हुआ था वो लगाया, और दोनों ब्रैकेट में जो इक्वल के बाद जो दोनों ब्रैकेट आएंगे उसमें हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, और जो बीच में जो साइन आएगा वो आएगा ओवर के बाद वाला साइन, यूनियन का साइन। तो यूनियन का साइन हमने यहाँ लगाया, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन का यहाँ पर था तो इंटरसेक्शन का हमने बीच में ये लगाया। तो ये तो हो गया कैसे लिखते हैं सेट। अब कैसे सॉल्व करते हैं उसकी मैंने आप एग्जांपल लिख दी है, वो चलें वो पढ़ते हैं अब। सो गाइस, अब जो है हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें जो सेट दिया हुआ है ए का वो है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 4 6, सी दिया हुआ है 2 3 6। देन हम वेरीफाई, हमें वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमें जो ये लॉ दी हुई है ये कौन सी लॉ है पहचानी है। पहले यूनियन दिया हुआ है तो उसका मतलब, और यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो LHS, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे उसके बाद RHS सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारे पास क्या, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A यूनियन, उसके बाद A का सेट लिखा, यूनियन का एदर ऐसी साइन लगाया, B का सेट लिखा, B का ब्रैकेट में ये है तो हमने ब्रैकेट में सेट दोनों सेट लिखेंगे। पहले B का लिखा, इंटरसेक्शन C का सेट लिखा, आंसर क्या आया, दोनों में क्या सेम था, 2 और 6, और 2 और 6 का आंसर आ गया, B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया। अब B इंटरसेक्शन C का आंसर से हम यूनियन निकालेंगे A का, तो A का यूनियन निकाला B इंटरसेक्शन C से, आंसर क्या आया, 1 2 3 6, यूनियन मिला के लिख देते हैं तो हमने यहाँ पर 1 2 3 6 आंसर ले लिया। अब आंसर हमारा आ गया A, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 1 2 3 6। और आर एच एस का अब निकालेंगे, अगर सेम आया तो फिर वो सही हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब ये आर एच एस है तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर देन इसको सॉल्व करेंगे, जो दोनों के आंसर होंगे उसका यूनियन निकाल लेंगे तो वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलें ए यूनियन बी निकाला, सबसे पहले हमने सॉरी गाइस 2 मिनट रुकें। सो गाइस, अब जो है पहले हम यहाँ पे दोनों का यूनियन लेंगे, उसके बाद इस दोनों का यूनियन लेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा, मिलाकर लिख दिया 1 2 3 4 6, देन ए यूनियन सी ए का सेट लिखा, देन सी का सेट लिखा, मिला के लिख दिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमारे पास पहले जो ए यूनियन बी का आंसर लिखा, देन ए यूनियन सी का आंसर लिखा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है। अब इंटरसेक्शन ले लिया, दोनों में क्या सेम था, 1 2 3 6 दोनों साइड में सेम था तो हमारे पास इंटरसेक्शन ये आ गया है, और 1 2 3 6 यहाँ भी आया, 1 2 3 6 यहाँ भी आया, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया है कि हमारा जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, हमारे पास आंसर आ गया है दोनों का सेम, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया. अब ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. अब मैं आपको पूरा इसी तरीके से सॉल्व करके, तो गाइस अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम जो है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन हम सॉल्व करेंगे. सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यूज सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैंने यहाँ लिख ली, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए का सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी का सेट यूनियन सी, आंसर आया 2, 3, 4, 6. अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया, उन दोनों को इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आ गया 2 और 3. उसके बाद जो है आर एच एस लिया, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आया, 2 और 3. राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर हमने जो है ए इंटरसेक्शन पहले बी लिया है, उसके बाद ए का सेट देन इंटरसेक्शन बी सेट, और उसके बाद आंसर आ गया 2. एंड नाउ ए इंटरसेक्शन सी, उसके ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 2, 3, 6, और फिर इसका आंसर आया हमारे पास 2, 3, और फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, उसके बाद 2 वाला आंसर लेंगे और फिर 2, 3, तो हमारे पास यूनियन यही आएगा 2, 3. तो सेम आंसर हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया है. सो गाइस इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर ही, उसकी हमने पहले लिखना सीखा कि कैसे हम ओवर यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन या फिर ओवर इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन कैसे लिखते हैं, और फिर सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों तरीकों से मैंने आपको जो है वो समझा दिया है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह.